राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। आज जानेंगे क्या है निवास स्थल के द्वारवेद और उनके उपाय। सरल शब्दों में कहें तो आपके मकान के मेन गेट के सामने की रुकावट ही द्वारवेद कहलाती है। वास्तु अनुसार यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई विशाल पेड़ है, कोई खंबा या स्तंभ है, तो इस स्थिति में बुरी शक्तियां आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आप नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो सकते हैं। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने किसी रास्ते अथवा गली का अंतिम छोर या कोना खत्म होता हो, तो यह एक द्वारवेद है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कीचड़ या फिर कोई गटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति वास्तु अनुसार अशुभ है। इसी प्रकार आपके मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पोस्ट ऑफिस या मंदिर का होना भी द्वारवेद माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये बाधाएं उस मकान की ऊंचाई से दुगनी अधिक दूरी पर हों तो यह दोष नहीं होता। यदि मकान और बाधा के मध्य सार्वजनिक सड़क या पब्लिक रोड है, तब भी यह दोष कम हो जाता है। यदि किसी और मकान का कोई कोना आपके मुख्य द्वार के सामने आए, तो उपाय स्वरूप एक ऐसी स्पॉटलाइट लगाएं जिससे प्रकाश घर की ओर रहे। कोई सीधा तन के बढ़ने वाला पेड़ जैसे अशोक या बांस, ऐसा सीधा ऊंचा वृक्ष बीच में लगा दें। अन्य किसी भी द्वारवेद के दोष को दूर करने का अचूक उपाय ध्यान से लिखें। दरवाजे की चौखट यानी मेन डोर फ्रेम के नीचे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी ऐसी 2 पीतल या ब्रास की पट्टियां दबा दें। ध्यान रहे कि पट्टियां दबाते समय थोड़ा गोमूत्र अवश्य छिड़कें। अब इन पट्टियों को किसी सफेद पत्थर या लकड़ी से पैक कर दें। इन पत्तियों का साइज 4x1 इंच होना चाहिए। एक नारंगी रंग के कपड़े में समुद्री शंख, सीप, मोती, मूंगा और कौड़ी, ये पांचों बांधकर दरवाजे पर लटकाएं। सिंदूर और घी के मिश्रण से अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर 6x6 इंच के 2 स्वस्तिक बनाएं। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाएं। द्वारवेद के दोष और उनके कुप्रभाव कम हो जाएंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।